हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स आज का आपका टाइटल है द डस्ट ऑफ स्नो ठीक है उसमें ये शॉर्ट एंड सिंपल पोम है आपकी देर आर फोर लाइंस ईच इन ईच स्टैंड टू स्टैंड हैं इसके बट ये जो शॉर्ट एंड सिंपल पोम है 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 इसमें मीनिंग बहुत डीप ओके सो आप समझने वाली बात है कि एक छोटा सा इंसिडेंस पोएट uh, की लाइफ में होता है जब वो क्या करता है वो बहुत ही सैड और ग्लूमी मूड में होता है और वहां से जा रहा होता है एक पेड़ के पास से जा रहा होता है और वो पेड़ कौन सा हेमलॉक है? ट्री है ठीक है और उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ है और दोनों ही क्या माने जाते हैं इन इनऑस्पिशियस माने जाते हैं ठीक है उसे बैड ओमेन माना जाता है तो क्या होता है उस वहाँ से जा रहा होता है उसका मूड बेकार होता है अच्छा नहीं होता सैड होता है लेकिन क्रो के मूवमेंट से क्या होता है कुछ डस्ट कुछ स्नो की डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं जिसके कारण उसका मूड अच्छा हो जाता है फ्रेश हो जाता है और कुछ अच्छा उसको फील होता है ओके okay? सो so, उसका जो होता है पूरा का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है और सैड से वो क्या हो जाता है हैप्पी हो जाता है तो हमें ये मैसेज दिया गया है कि हमें सिचुएशंस को हमेशा इस तरह से नहीं देखना चाहिए हर चीज में पॉजिटिविटी होती है ठीक है कोई बुरी चीज हो रही होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी ही है ओके okay? सो so, उसका देखने का नजरिया है जिस तरह से आप उसको परस्यू करते हो ओके राइट तो क्या होता है इन द पोम पहले हम पोम को पढ़ लेते हैं The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree okay? has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rude. So, होता that? तो हम इसको पहले डिस्कस करते हैं इन द स्टोरी है वो जा रहा होता है पेड़ के पास से, और हेमलॉक ट्री क्या है, ट्री है so कुछ क्रो वेद इट फॉल्स ऑन इट हैोल्डर इट इज अनोन वो शोल्डर पर गिरती है कि हेड पर गिरती है वो uh, पता नहीं है बट वो उसके ऊपर गिरती है राइट सो वेदर द क्रो वॉर्ज लैंडिंग विदरिंग विद कोल्ड और री एजिस्टिंग इट सेल्फ ऑन द

हमें क्या करना चाहिए तो इसके रीजन क्या है दो है रीजन इसके फॉर रीजन द ऑथर वाज हैविंग अ ट्रबल डे ठीक है टेरिबल डे उसका इसका मतलब क्या है कि ऑथर का जो है वो दिन अच्छा नहीं था बट फॉलिंग ऑन द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड ठीक है उससे उसका मूड क्या हो गया अच्छा हो गया इंस्टेंटली ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन बैड मूड उसका दिन ऑलरेडी बेकार गया था बट द रेस्ट ऑफ इट वाज सेव्ड बाय द क्रो एंड दैमलॉक ट्री पर बाकी दिन क्या हो गया उसका अच्छा हो गया किसके कारण क्रो और हेमलॉक ट्री के कारण सो हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर बट द्रो यूज ब्यूटिट्रेट इनऑस्पिशियस एंडीनेस टू की इनऑस्पिशियस एंड जो बैड थिंग्स है वो कई बार क्या हैपीनेस लेके आती है ओके सो वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट नेचर चूजेस टू ब्लेस तो हमेशा हमें देखना चाहिए अपने आस पास की जो भी मोमेंट है हमारे पास हमें उसे इंजॉय करना चाहिए पॉजिटिव लेना चाहिए राइट right? सो so, पहला इसका पार्ट करते हैं फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट राइम विदर्ड गिवन बिलो ठीक है तो राइमिंग वर्ड इसमें राइमिंग वर्ड्स भी है जैसे क्रो का क्या दिया हुआ है स्नो है और हार्ट का दिया हुआ है पार्ट ओके okay? और मूड का क्या दिया हुआ है रूड ओके okay? तो यहाँ पर यह हो गया नेक्स्ट है फाइंडिंग द राइम स्कीम ठीक है लुक एट द लास्ट साउंड इन द लाइन लेबल एवरी न्यू एंडिंग साउंड विद अ न्यू लेटर देन व्हेन द सेम साउंड अकर्स इन द नेक्स्ट लाइंस यूज द सेम लेटर ओके सो यहां पर देखिए राइमिंग का स्कीम क्या है यहाँ पर ठीक है लास्ट वर्ड देखिए क्रो है क्रो से मिलता जुलता स्नो है ठीक है स्नो द वे क्रो द डस्ट ऑफ स्नो ठीक है तो ये जो राइमिंग स्कीम है अगर हम इसको माने कि ये ए है ठीक है हमने ये माना ये a है ये ए है ये बी है तो ए के साथ ए का राइम है और यहाँ पर बी का राइम ऐसे है ठीक है तो ये हो गया ए बी ए बी ओके और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हार्ट का राइम किसके साथ है पार्ट के साथ और मूड uh, का राइम है रूट के साथ ठीक है तो ये जो इसका राइमिंग पार्ट है वो है ए बी और ए बी ओके ये इसकी राइमिंग स्कीम है राइट तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन लुक एट द

टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द स्नो जो गिरी थी ऑथर के ऊपर पोएट के ऊपर ओके नंबर फोर है आपका क्वेश्चन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमलॉक ट्री इज फोकस्ड बाय द पोएट पोएट का पोएट ने हेमलॉक ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई है इस पोम में ठीक है तो क्या बताया है अ फ्रूट बेयरिंग ट्री नहीं

वट इज द मीनिंग ऑफ रूड रूड का मतलब क्या है बच्चों रूड का मीनिंग है हेल्ड इन रिग्रेट ओके कंकर्ड नहीं होगा हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब उसको पछतावा होता है दैट उसने वो क्या दिन उसका सैडनेस में बीता लेकिन उसका मूड फ्रेश हो गया तो अब उसका मूड अच्छा बीतेगा उसका दिन अच्छा जाएगा राइट आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी और इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग